टीवी का सबसे पॉपुलर शो अनुपमा अब कुछ बदलने वाला है। शो में आपको कुछ अलग दिखाई देगा और वो होगा समर का चेहरा। दरअसल खबर आई है कि अनुपमा के मेकर्स ने समर का किरदार निभाने वाले एक्टर पारस कलनावत को रातों रात शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, यानी कि मेकर्स ने पारस की शो से हमेशा के लिए छुट्टी कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अनुपमा के मेकर्स ने एक्टर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया और अब वो शो का हिस्सा नहीं होंगे। ये एक्शन इस वजह से उठाया गया क्योंकि पारस ने दूसरे चैनल पर झलक दिखला जा 10 साइन कर लिया था। मेकर्स के मुताबिक पारस ने कॉम्पिटिटर चैनल पर शो साइन करने से पहले उन्हें जानकारी नहीं दी थी। कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करने की वजह से अब उन्हें हटा दिया गया है। प्रोडक्शन हाउस को जब पारस के डांस रियलिटी शो साइन करने के बारे में जानकारी मिली तो वो हैरान रह गए। दूसरी तरफ पारस कलनावत ने कहा है कि मैंने अपने फैसले के बारे में प्रोडक्शन हाउस को सूचित किया था। हालांकि चैनल के कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों की वजह से झलक को साइन करने के बाद अनुपमा के साथ काम करना संभव नहीं होगा। वहीं अब एक्टर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस मुद्दे पर अपने फैंस को सच्चाई बताई है और मेकर्स पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। पारस ने खूबसूरत वीडियो पोस्ट कर लिखा, हर जर्नी प्लानिंग के मुताबिक सुंदर नहीं होती, अपनी टीम के कुछ लोगों को याद करूंगा। कहानी के अपनी साइड के बारे में और शो का हिस्सा बनने के लिए मुझे क्या सहना पड़ा इसके बारे में भी पक्का बात करूंगा। ये किसी बुरे सपने से कम नहीं था। शो में मेरे करीबी लोगों को मेरे नाखुश होने के बारे में अच्छी तरह से पता था, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये वाकई मिक्स फीलिंग है, आंसू की एक बूंद के साथ राहत की सांस। राजन सर और डीके की पूरी टीम का हमेशा आभारी रहूंगा कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया और मुझे इस खूबसूरत शो का हिस्सा बनाया, और सभी के प्यार के लिए हमेशा आभारी रहूंगा। मैंने बेस्ट प्रोड्यूसर, बेस्ट डायरेक्शन टीम और बेस्ट डीओपी के साथ काम किया है, लेकिन शो चलते रहना चाहिए। मैं जहाँ भी जाऊँगा अपना बेस्ट दूंगा और मेरे एक्शन शब्दों से कहीं ज्यादा जोर से बोलेंगे। अपना प्यार बरसाते रहें क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। समर शाह के रूप में मुझे प्यार और सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। वेल, हमारे आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं ऐशिका जैन, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।